वेलकम बैक टू स्टैंड व्लॉग। तो डूड, काफ़ी दिन के बाद हम आज जाने वाले हैं फैशन स्ट्रीट। क्यों? क्योंकि शुभम आज गांव जाने वाला है। तो लेट लतीफ उसने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया और मुझे भी कुछ लेना है। देखते आज डूड हम ट्रेन से जाने वाले हैं। काफ़ी दिन हुआ लोकल पे हम ट्रैवल नहीं किए, तो आज जाते। अरे सामने दिखाऊंगा ना डूड, इतना लाइन है ना, टिकट के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन मैं लाइन नहीं लगाने वाला, शुभम को भेजने वाला हूँ मैं लाइन के लिए। अभी देखते टिकट निकालते फिर आगे मिलते। लाइन में लगना नहीं, हमको सिर्फ बैठना है। टिकट आएगी, अभी सामने वाला टिकट निकालेगा, फिर हम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मुझे ये तक ही नहीं पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने वाली है, सब शुभम को पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता हूँ। लेकिन आज ज़रा धूप थी बाहर, दोपहर में हम बाहर निकल रहे थे। मैं बोला बाइक से नहीं जाते, डायरेक्ट ट्रेन से जाएंगे। मिलते हैं टिकट मिलने के बाद, जाते हैं अभी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट। राइट डूड, टिकट लेने के बाद टिकट बता भाई, इतना देर लाइन लगाने के बाद टिकट मिला है हम लोग को? वो भी नकली, कौन से नकली नहीं है रे, नकली। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ट्रेन? तो वो प्लेटफॉर्म पे क्या कर रही है? प्लेटफॉर्म पे आ जा। अभी कितने बजे ट्रेन आने वाली है अपनी? माइक की नहीं, हाँ लिखा है, हाँ 10:32 को स्लो है। तो अभी आते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं वहाँ के लिए। फाइनली हम बच्ची मंदिर पहुँच चुके हैं। जैसा कि मेरा बाल देख सकते हो, कल रात को मेरा मुंडा दर्द दे रहा था, तेल लगाया था मैंने। अभी मस्जिद मंदिर से निकली है, अभी नेक्स्ट स्टॉप ही अपना है, तो मिलते हैं। हम पहुंच गए CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन। स्टेशन के जस्ट बाहर आके यहाँ से हमको राइट लेना है। राइट जाके एक अंदर से कौन सी तो एक गली है, मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं। बहुत पहले मैं आया था, कम से कम 2014 में, उसके बाद में कभी आया ही नहीं। चलो फिर आगे मिलते हैं। तो डूड अभी हम ये अंडरग्राउंड मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट स्टेशन के सामने ये अंडरग्राउंड मार्केट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आगे के कैमरे से दिखा, कैप से लेके बेल्ट तक और बच्चों के कपड़े भी यहाँ पे मिलेंगे। A few moments later. बड़ा सुकून लग रहा है जरा। एक काम कर, हमारा संभल कर। तो जस्ट अभी हम पहुंचने वाले थोड़े देर में। ये सामने मेरे गेट दिख रहा है, वो गेट को क्रॉस करेंगे, मैं हमारे सामने ही है फैशन स्ट्रीट। तो जो मेरा बाल है ना, बाल देख के ना मुझे को एकदम अजीब लग रहा है डूड, क्योंकि कल मेरे ना सर ना हेडेक बहुत हो रहा था, तो मम्मी ने ज़रा ऑयलिंग किया था। और ये जो ऑयल है ना, इतना बाल धोने के बाद भी ना गया नहीं है मेरा। देख रहे हो कैसा पूरा बाल, कभी ये साइड जा रहा है, कभी वो साइड जा रहा है। फाइनली हम गेट क्रॉस करते और सामने फैशन स्ट्रीट। तो फाइनली हम फैशन स्ट्रीट पहुँच चुके हैं। वहाँ से लेके डूड एंड तक कि वो आगे तक ना सारी दुकानें, 400 दुकानें हैं। 400 दुकान तो हम जा नहीं सकते, तो हमको जो जो चाहिए हम वहाँ पे बार्गेनिंग करते। अभी मिलते आगे। एक शू लेना है और एक घड़ी लेना है। इसको शू लेना है, चप्पल लेना है, शू लेना है चप्पल लेना है। मेरे को टी शर्ट लेना है और क्या क्या लेना है मुझे कुछ पता नहीं। देखते कुछ पसंद आए तो ले लेंगे। चलो अभी बार्गेनिंग करते। तो यहाँ से चालू होता है फैशन स्ट्रीट का शॉप। यहाँ से हम देखते हम लोग को क्या क्या देखने मिलता है। इसको सबसे पहले इसको कैप लेना है, तो ये कैप वाला हमारे सामने ही है। तो जाते
बच्चे के लिए लेना है तो ऐसा लेना। हाँ भाई बच्चे के लिए ले लेना। 100 रुपये का है देखा, 100 रुपये का दो बोले, 100 रुपये का दो ना, बच्चे का भी 100 रुपये का है। ऐसा कैसा बोल रहे हैं? वो शुभम कैप लेने गया डूड, तो वहाँ पे उसको ना 200 का क्या 500 में बता रहा है। तो आप अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको एक अच्छा खासा बार्गेनिंग करने आना मांगता है, नहीं तो यहाँ पे पब्लिक आपको चूतिया बना देगी, जैसा कि इसको बना रहा था लेकिन मैंने बनने नहीं दिया। तो अभी हम कैप तो आगे देखते हैं, 500 का कैप तो नहीं लेगा क्योंकि वो एक्चुअली 500 का है भी नहीं। मैंने सोचा उसका 500 कैप दिखाऊं मैं वीडियो में, लेकिन मेरा जैसे उसने 500 बोला वैसे ही मेरा मूड ख़राब हो गया। अभी चलते हैं शूज़, मेरे को एक कैनवास लेना है ब्लैक, देखते मिलता है आगे है शूज़ की दुकान, तो मिलते हैं यार एक शूज़ की दुकान में आपको। तो शुभम ने ये सिलेक्ट किया, उसको 900 में बोला है, और शुभम ने क्या मस्त बार्गेनिंग किया, 250 रुपया बोला है। मेरी फ्रेंड अभी उस दिन लेके गई थी 300 में, अब भी 900 बता रही है, देखते और कितना कर पाता है। 300 से ज़्यादा नहीं देना कर रहा हूँ, मेरी फ्रेंड उस दिन लेके गई थी, क्वालिटी है एकदम सेम टू सेम है। लास्ट 350 बोल दे फिर छोड़ दे, या तो DR10 दे ठीक है, 350 लास्ट 350 बोल दे, नहीं नहीं लास्ट 350 फाइनली 900 का ड्रेस हमने बार्गेनिंग करके 350 में 360 में लिया है। हमको तो कुछ ऐसा लेडीज़ कपड़े लेने नहीं है, हमको सिर्फ हमारे लिए लेना है, देखते अब इसके बाद वहाँ पे जाते हैं। तो डूड जैसा कैनवास चाहिए था मुझे वैसा तो मिला नहीं, आगे देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप में मिल रहा था वो, ज़रा अच्छा नहीं लगा मुझे, तो आगे ढूंढते। वैसे काफ़ी लंबा मार्केट है, शर्ट जीन्स हाँ मिला मिला मिला। ये दो शॉर्ट सिलेक्ट किया है मैंने, तो कमर आएगा क्या उनको, आएगा ना कमर से तो आएगा ये, और वो वाला मेरे को नहीं आएगा, आएगा ये वाला मेरे को आएगा, लेकिन ढीला वो मेरे, ये मेरे को टाइट होएगा, ठीक है भाई, इनको थोड़ा टाइट हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। ये दो शॉर्ट्स हमने 500 में सिलेक्ट किया है बार्गेनिंग करने के बाद, हाँ ये बार्गेनिंग मैंने किया है। देखते देखते हम ज़्यादा कुछ शॉपिंग कर लिए, इसने अपने बहन के लिए वो लिया है एक ड्रेस लिया है, और मैंने मेरे लिए कैनवास एक टी शर्ट और भी कुछ लिया है मैंने, क्या लिया तो, और दो शॉर्ट्स लिए हम लोग ने। तो फाइनली यहाँ से अभी निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे दोपहर होगी धूप बढ़ेगी डूब, और कल ही मेरी तबीयत खराब थी, सर दर्द दे रहा था, तो जो मेरा सर दर्द दे रहा था ना डूड, तो इसकी वजह से तेल लगाए, और ये तेल लगाने के बाद ना मेरा बाल ना एकदम अजीब ही लग रहे हैं। थंबनेल के लिए मैंने एक वीडियो सॉरी एक फ़ोटो निकाला था, मैंने क्लिक किया था उसमें, मेरे बाल इतने ख़राब लग रहे हैं ना डूड तेल के वजह से, जिसके लिए मुझे फ़ोटो भी नहीं अच्छा लगा थंबनेल के लिए। अब देखते कुछ और निकालना पड़ेगा बाल बिल सेट करके ज़रा थंबनेल के लिए फ़ोटो। तो अभी स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, मिलते अभी आपको। जैसे कि देख सकते हो वापस हम लोकल ट्रेन में आ चुके हैं, अभी फिलहाल हम वापस घर पे जा रहे हैं, सारी शॉपिंग हो चुकी है, शुभम को भी जो जो लेना था, उस गांव जाने वाला एक्चुअली उसको भी सारी शॉपिंग हो चुकी है, उसको जो जो लेना था। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता मेरी आवाज़ आपको आती होगी क्योंकि मैं अभी लोकल ट्रेन में हूँ। तो मैं ये बता रहा था, अगर आप कभी फैशन शिफ्ट में आओ तो आपको एक अच्छा खासा बार्गेनिंग करने आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी मेरा शू, मैंने जो कैनवास मैंने पूछा था उससे, तो उसने मुझे स्टार्टिंग में 1200 रुपया बताया था, लेकिन मैंने कितने में लिया 400 में, और शॉर्ट्स उसने कुछ समथिंग मेरे को 700 में बताया था, तो 500 में मैंने दो शॉर्ट्स लिए, 700 में एक शॉर्ट बताया था मैंने, 500 में दो शॉर्ट्स लिया। तो ऐसे ही अगर आप कभी फैशन स्ट्रीट आओ तो आपको एक, अगर आपको बार्गेनिंग नहीं करनी आती तो कोई ऐसा बंदा ले गया होगा अच्छा खासा बार्गेनिंग करे। वैसे तो हमारा सब ब्लॉग एंड हो रहा है, तो जो भी नया है
प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ, वापस से मेरा हेडेक चालू हो चुका है। तो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो स्टे सेक्सी एंड स्टे सेफ ब्रो। मुझे लोकल ट्रेन में ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, आगे मुझे ना पब्लिक दूर दूर से देखनी है।